हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त रजत के यहाँ, और उन्होंने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जो बहुत बूढ़े हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं, और तो मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। देखता हूँ, रजत जी के घर के सामने ही वो काम करते हैं। रजत जी मेरे फ्रेंड हैं फेसबुक पे। दादी कहाँ से आते हैं आप? हाजी पीछे। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? 95। 95? 95? 95 जी। तो बताइए अपने बारे में, इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं आप? हमने शराब आज तक नहीं पी। शराब आज तक नहीं पी? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब ये जान के कि आप इतने मतलब मेहनत का काम करते हैं। तो ये ठेला कहाँ से लाते हैं आप? किराए का है। किराए का है? कितने रुपये इसके जाते हैं? 15 रुपये। 15 रुपये रोज? अच्छा, और तो कितना कमा लेते हैं आप दिन भर में? कुछ नहीं, ऐसा है कि हम सब काम कमा लेते हैं। अच्छा, नहीं ऐसा है, एक पैसा भी नहीं आता है। एक पैसा भी नहीं आता है? हाँ। अच्छा, तो ठेला कितने का आता होगा ये ठेला? कम से कम 2000-3000 तक का आता होगा। 3000 तक का आएगा? चार। तो ये कहाँ मिलेगा बताइए? ये मतलब बनवाना पड़ता है। बनवाना पड़ता है। चलिए ठीक है, और आपसे मिलके अच्छा लगा। आप ये शर्टें मैं दे रहा हूँ आपको, कुछ जो हैं नई हैं इसको आप रख लीजिए और मैं आपको ला के दे रहा हूँ, ठीक है? उसको आप बेच दीजिएगा और पैसे जो भी हैं आप रख लीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हम नहीं करते। रख लीजिएगा जी। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ आपकी मदद? कुछ तो बताइए, कुछ मेरी मदद स्वीकार कीजिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपको, आपके बारे में जान के। अच्छा जी, मतलब इतनी मिसाल है आपकी, इतनी एज में आप काम करते हैं, मतलब मुझे लग रहा है आप सही से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। कुर्सी मैंने देखी, आप बैठे हुए हैं उस पर। अच्छा, मैं बाहर चढ़ गया दुबई। जी जी, बैठने के अंदर। जी जी जी, तो वहाँ मुझे ये हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ये कोई दिक्कत है? अरे अरे, तो बहुत दिक्कत है। हाँ, भी मैं काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं किसी भी मांगता हूँ। ये प्रेस भी मुझे लगा है बहुत भारी होगी। हम ही ना उठा पाए इसको, तो आप तो बहुत मिसाल का काम कर रहे हैं। अच्छे काम किए हैं। आज मेरे साथ एक दादाजी हैं जो 95 साल के हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं, मतलब उनको देख के अगर जवान आदमी भी मतलब आगे फेल हो जाए। जो लोग सोचते हैं जीवन में बहुत कठिनाइयाँ और बहुत प्रॉब्लम है और वो हार मान लेते हैं, तो ये दादाजी उनके उनके सबके सामने एक मिसाल है। और ऐसे ही हमें जीवन में जीते रहना चाहिए और मतलब आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी निराशा नहीं लानी चाहिए अपने जीवन में, कि प्रॉब्लम आती है तो हम लोग डर जाते हैं, उसको फेस करने से भी डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या होगा अब। तो दादाजी आप कुछ बताइए लोगों को कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन देखिए ईमानदारी से। ईमानदारी से, ईमानदारी पहली चीज़ है। हाँ, जी। नंबर वन ईमानदारी। और बताइए। नंबर 2, किसी का लूट लेके खाओ नहीं। किसी का लेके लूट के ना खाओ। जी जी जी। नंबर 2, जो आजकल के लोगों में बहुत है। बहुत है। जी जी। और दूसरी बात नंबर 3, आप झूठ बिल्कुल ना बोलिए। झूठ ना बोलिए। हाँ, सच बोलेंगे आपको रोटी मिलेगी। जी 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 जी। वो भी मेहनत करने से मिलेगी, आप पलंग पे सोने से नहीं। तो मिसाल है आप मतलब लोगों के लिए, बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है और मुझे अच्छा लगता है आपकी बात सुनकर, बड़ी खुशी हुई। जी जी जी। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप जैसे लोग मिसाल बने हुए हैं आज भी दुनिया में। तो आज ये बताइए, मैं अगर आपको ये ठेला दिलाना चाहूँ तो मेरे साथ चलेंगे अभी आप? आपको किराया नहीं देना पड़ेगा फिर। आज जो है हम लोग थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं, और जो रेंट का किराया देते हैं, रोज का खर्चा होता है उनका 15-20 रुपये, वो उनका महीने का बचेगा, 600-500-600 जो भी है वो बचेगा। तो इससे दादाजी की कुछ हेल्प होगी और हम लोग को सबको आगे आके हेल्प करनी चाहिए। तो मैं ये ढूंढने जा रहा हूँ और मैं लेके आता हूँ। ठीक है, मैं अंकल जी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, आप यहीं मिलिएगा। तो हम लोग एक मार्केट जा रहे हैं अब रजत जी के साथ, और वो उनके लिए ठेलिया खरीदेंगे हम लोग।
अच्छा थैंक यू सो मच, आपने पैसे कम किए थोड़ा, आपकी तरफ से भी मदद हो गई हम लोग ने। सही है अंकल जी, सही है तो ये सही लग रहा है आपको? हाँ भैया। थैंक यू रजत जी, ठीक है आशीर्वाद बना रहे हैं आपका, तो आज जैसे जिंदगी जिंदगी है मिलते हैं आपके आशीर्वाद देंगे हमारे देश में। अगर आप किसी नौजवान हम दर्द पैदा होता है देश समझ जी जी जी, देश को बदलने के लिए हम सबको बदलना होता है सबसे पहले, तो वही एक शुरुआत है। आज बहुत बहुत धूप है और अंकल जी बहुत मेहनत से काम करें, बहुत 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 मतलब सम्मान आपको। जी जी जी, बहुत बहुत सम्मान। नमस्ते अंकल जी, ठीक है। अच्छा रजत जी चलते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाय बाय।